ये जा रहे हैं धुलाई के लिए, इनकी भी धुलाई होएगी। लॉन्ड्री में जा रहे हैं ये घर। दिवाली का सफाई करते 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 हालत ख़राब हो चुकी है, अभी भी काम कुछ हुआ नहीं है। और ये जा रहे हैं धुलाई के लिए। और नूतन को ना आज वैन वाले भैया ने दी थी चॉकलेट, चॉकलेट का बॉक्स दिया था, वही खा रहे हैं हम लोग, बहुत टेस्टी हो रही है। हेलो जी दोस्तों, आज तो वेलकम कहा ही नहीं। वेलकम टू माय चैनल कवितापन पहाड़ी शहरी ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका मेरे ही अपने नए वीडियो नए ब्लॉग में, तो बने रहिए। दिवाली का काम भी नहीं हुआ है, फिर भाई की शादी जो फिक्स हो गई है तो उसकी भी तैयारी करनी है, सब काम साथ ही हो रखा है। बाहर जाना पड़ेगा, काम के लिए। दोस्तों बाहर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और साड़ी ब्लाउज का काम है वो दे देती हूँ। और देखिए मार्केट में कितना अच्छा लग रहा है, साड़ी ब्लाउज का काम हो गया है। और वो भैया को फ़ोन किया था ना टेलर वाले, तो आंटी ने बताया आए हैं, दो तीन दिन से जा रही थी वो नहीं मिल रहे थे भैया, तो इधर से फिर थोड़ा आगे आई हूँ। और अभी डिमांड भी जाना है, आज तो नहीं हो पाएगा डिमांड जाने का काम, अगले दिन आएँगे कभी, सब साथ ही आएँगे। तो अभी दिवाली का ऐसे ही चल रहा है, बहुत हो रखा है। लोकल फॉर वोकल का यहाँ पर ना दरवाज़ा खोलने में लग गई, तो दिए इतने क्यों ले आई कह रहे थे मेरे से, क्योंकि बाद में भी लगते हैं दिए, वो बताती हूँ बाद में क्यों लगते हैं दिए। तो यहाँ पर आज रात में बना रही हूँ लौकी के पराठे, सिंपल सा डिनर है, कोई ज़्यादा वो नहीं। आटे में गूदो लौकी को और मसाले मिलाओ, फर्स्ट क्लास पराठे बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मिर्ची चाहिए तो मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं आप लोग, मैं तो मिर्ची खाती नहीं हूँ ज़्यादा, ज़्यादा क्या हम खाते ही नहीं है मिर्ची। तो आटे में गूद लेना चाहिए, जीरा नमक अजवाइन मसाला और भी, तो अच्छे बनते हैं पराठे। तो सिंपल से पराठे बनके तैयार, बूंदी के रायते के साथ। और लंच जो कह रही हूँ, डिनर होने के बाद मेरे बर्तन ये रहे, बर्तन धोती हूँ। उसके बाद जो दिए लाए थे ना नूतन बोल रही थी इनको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, इनमें इनको डेकोरेट कर लेते हैं, तो मैंने कहा चल कर ले। वो मुझको बोलती है आप जब बैठोगी तभी बैठूँगी, तो इसके साथ ये करने में लग गई तो और काम छूट गया, और भी काम है, बहुत सारे काम हैं। तो रात को 12 बजे तक हमने फिर ये कुछ बनाए थे, इसने कुछ मैंने भी बनाए, इतने जो है
होगा वो लेके जो है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह मैंने पंद्रह बनाया। नहीं पंद्रह भी नहीं मैंने पंद्रह इसका ढक्कन लाइन वाली लगा देना इनको ढक्कन में है उसका ये। हेलो जी दोस्तों, तो रात को तो ज़्यादा कुछ बना नहीं था और सुबह सुबह पर्दे लगाने के काम हो रखे हैं। इनको बोला मैंने पर्दे लगा दो, बोलते इतने सारे पर्दे मैं नहीं लगाऊंगा। अगर ये इतनी मदद कर देना मेरे लिए तो यही गिफ्ट है। लोग बोलते हैं करवा चौथ का गिफ्ट, करवा चौथ की शॉपिंग, करवा चौथ का क्या थाली, मेरी तो भोजन थाली बन जाए वही बहुत है। तो इनको मैंने बोला रोटी बनाओ या तो पर्दे लगाओ, फिर चुपचाप से लग गए। तो मैंने बोला अगर थोड़ी थोड़ी इतनी भी हेल्प हो जाएगी ना तो बहुत हो जाता है। नहीं तो ना बीच बीच में ऐसी धमकी भी देनी पड़ती है, नहीं तो मानते ही नहीं हैं। और नूतन की फ्रेंड भी आई है यहाँ पर, दिए में कलर हो रखा है, ये भी काम बढ़ाएंगे ही दोनों, मेरा काम तो क्या कम करेंगे ये। और फिर दिन का खाना हो जाएगा, फिर और भी काम है बहुत सारे। और आज ना 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, तो उत्तराखंड का ऐसी सब आप सबको भी बधाई और शुभकामनाएं बहुत बहुत। पता नहीं ब्लॉग तो कब आएगा पता नहीं, पर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे पूछते हैं ना कोई तुम कहाँ के हो, तो मैं उत्तराखंड की बोलती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दिख रहा है झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो हाँ जी दोस्तों, अब फ्रिज की सफाई भी हो गई है। शाम को रात को दो ढाई घंटा इस फ्रिज में लग गया, पूरे बर्तन निकाल के पूरे इसमें बिछाए भी थे ना मैंने, और बिछाने वाले इस पे सोफे के कवर जैसे वो सब धो धा दिए हैं। और अब जा रहे हैं डीमार्ट को, डीमार्ट से लेके आते हैं राशन पानी, ये सब डब्बे धो के सुखा दिए हैं। देखेंगे अभी अभी लगेंगे कि रात को होता है पता नहीं कब क्या होता है, तो अभी जा रहे हैं डीमार्ट को। तो ये सब साफ़ हो गया है फ्रिज का, बहुत टाइम लग जाता है ये सब चीज़ों में ना। तो उत्तराखंड जो आज दिवस था उसके उपलक्ष्य में छोटा सा पहाड़ी भजन। करवा चौथ का बहुत हाहाकार मचाया था, करवा चौथ की थाली, करवा चौथ की शॉपिंग, करवा चौथ का गिफ्ट। तो मेरी तो ये भोजन थाली, साबूदाने की खिचड़ी।